ये सर कि आपको हिंदी के अलावा और कितनी भाषाएं आती हैं? सर हिंदी के अलावा इंग्लिश तो हम लोग सीख ही रहे हैं बचपन से, हिंदी के साथ साथ उसके साथ मैंने पोर्चुगीज और स्पैनिश लैंग्वेज सीखी। अच्छा अच्छा जी, तो आपने मेरे कजन ने एक मुझे सजेस्ट किया कि आप पोर्चुगीज लैंग्वेज का कोर्स करिए, तो मैं उस इंस्टीट्यूट पे गया जहाँ पोर्चुगीज का कोर्स वही भी होता था, अच्छा है मैंने जी, पता क्योंकि चूज कर इंडिया में सकता। कितना स्कोप है इन सभी भाषाओं को यदि सीखने हाँ, रही का। बात, इंडिया में काफी अच्छा स्कोप है। आज के टाइम अगर देखें, हमारे जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स दूसरे कंट्रीज से देखे जाए, हमारे रिलेशंस दूसरे कंट्रीज से आप देखे किसी भी जाए, अच्छी काफी कंपनी में ज्यादा जाएंगे, आपको इजीली मिनिमम 40,000 की सैलरी पर मंथ से आप स्टार्ट करेंगे। ओके और क्योंकि मैंने जब 2016 में अपना करियर स्टार्ट किया था लैंग्वेजेस में, उस टाइम पे मेरी 40,000 की स्टार्ट हुई थी। आज के हेलो टाइम पे एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो अपने आप में ही बहुभाषी हैं, और जानेंगे कि इनकी क्या क्या स्पेशलिटीज हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके साथ साथ आप और कौन कौन सी डायरेक्शंस में जा सकते हो और कौन कौन सी चीज़ें आप सर से सीख सकते हैं, तो आज की क्लास में हम तो सर हम वैसे तो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते ही रहते हैं जी डेली और प्रैक्टिस कराते हैं, लेकिन आज ये वीडियो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारी नॉलेज उन्हें उन चीज़ों के बारे में मिलेगी, शायद वो किसी यूट्यूब चैनल पर अभी नहीं मिल पाई होगी किसी को। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो यूट्यूब चैनल है ट्रैवलिंग बहुभाषी, तो बहुभाषी से ही मुझे समझ में आता है कि यू नो मोर देन वन लैंग्वेजेस, जी सर, तो हमारे स्टूडेंट्स को आप सबसे पहले तो ये बता दीजिए सर कि आपको हिंदी के अलावा और कितनी भाषाएं आती हैं? सर हिंदी के अलावा इंग्लिश तो हम लोग सीख ही रहे हैं बचपन से, हिंदी के साथ साथ उसके साथ मैंने पोर्चुगीज और स्पैनिश लैंग्वेज सीखी। अच्छा, तो आपने ये जो स्टार्टिंग जो किया, मतलब सोचा कि आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस को सीखना चाहिए, फॉरेन लैंग्वेजेस सीखना चाहिए, इनका क्या क्या स्कोप है? यदि हमारे स्टूडेंट इस चीज को करना चाहें तो उन्हें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, उन्हें क्या क्या इस चीज़ से बेनिफिट मिलेगा, और किस तरीके से वो ये अपनी लैंग्वेजेस के लिए एडमिशन ले सकते हैं, क्या स्कोप होगा, और कहाँ पर वो इस डिप्लोमा को या लैंग्वेज को सीखने के बाद वो अप्लाई कर पाएंगे जॉब के लिए? ठीक है सर, तो उससे पहले, ये सारी चीज़ें समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा अपना बैकग्राउंड दे देता हूँ, मैं कैसे लैंग्वेजेस के फील्ड में गया। तो काफ़ी समय तक कॉलेज की अपनी डिग्री करने के बाद मैं हमेशा से चाहता था कि मैं एक वर्दीधारी नौकरी करूँ, मैं कोई डिफेंस फोर्सेस में जाऊँ, चाहे वो जी मिलिट्री फोर्सेस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, या फिर हमारी पुलिस फोर्सेस हो। काफ़ी समय तक मैंने उसकी तैयारी की, लेकिन काफी तैयारी करने के बाद कभी रिटन एग्जाम में रह जाता, कभी रिटन निकल जाता, तो फिजिकल में रह वो तो जाता, नॉर्मली सभी स्टूडेंट के सभी साथ ऐसा स्टूडेंट्स के होता साथ ही होता है। है। एग्जैक्टली। और यस फिर एक समय ऐसा आया कि परिवार की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई, तो मैंने सोचा कुछ हटके कोर्स किया जाए जिसमें मैं घर के पास भी रह सकूं और साथ ही साथ में अपना जॉब भी कर सकूं और पैसे भी अच्छे कमा सकूं। बिल्कुल मेरे कजन ने मुझे सजेस्ट किया कि आप पोर्चुगीज लैंग्वेज का कोर्स करिए, तो मैं उस इंस्टीट्यूट पे गया जहाँ पोर्चुगीज का कोर्स होता था, मैंने पता किया कि क्या ये स्कोप है इंस्टीट्यूट इसका। कहाँ पर था ये? जी, ये इंस्टीट्यूट अलग अलग भाषाओं के अलग अलग इंस्टीट्यूट है। मैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल जी सारी लैंग्वेजेस के बारे में बिल्कुल बात कर रहा हूँ। मोस्टली ये जो लैंग्वेज रिलेटेड इंस्टीट्यूट होते हैं, ये दिल्ली में आपको मिल जाएंगे, अलग अलग लैंग्वेजेस के, अलग पर्टिकुलर लैंग्वेज का अलग इंस्टीट्यूट होगा। कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होगा कि एक ही इंस्टीट्यूट में आपको सारी लैंग्वेज मिल जाए, हर लैंग्वेज का एक हाँ, नहीं स्पेसिफिक हमारी इंस्टीट्यूट बहुत होता सारी है। ऑडियंस दिल्ली से ही बिलोंग करती है, देखते रहते हैं, तो वो सोचे हैं कुछ ऑडियंस उनमें से ट्राई भी कर सकती है वहाँ जा करके, जी तो जी नेट पर उन्हें आई थिंक मिल जाएगी जी सारी। बिल्कुल, नेट पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च करेंगे, टॉप 3 जर्मन इंस्टीट्यूट, टॉप 3 स्पैनिश इंस्टीट्यूट, जी टॉप 3 पोर्चुगीज इंस्टीट्यूट, टॉप 3 जापानीज इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, तो आपको एक लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आप कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट चूज कर इंडिया में सकते। कितना स्कोप है इन सभी भाषाओं को यदि हाँ, सीखने का? रही बात, इंडिया में काफी अच्छा स्कोप है। आज के टाइम अगर देखें, हमारे जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स दूसरे कंट्रीज से देखे जाए, हमारे रिलेशंस दूसरे कंट्रीज से देखे जाए, काफी ज्यादा अच्छे हैं। और इस तरह के जॉब्स काफी ज्यादा आ रहे हैं जिसमें ट्रांसलेटर्स की जरूरत पड़ती है। काफी सारे ऐसे जॉब्स आते हैं जिनमें ट्रांसलेटर्स की जरूरत पड़ती है, तो काफी अच्छा स्कोप है इसमें। अच्छा, तो यदि आपने बताया कि आपको पोर्तुगीज एंड स्पैनिश स्पेनिश लैंग्वेज आती जी है, तो चलिए हम कुछ सेंटेंसेस तो अपने लास्ट में जी जी देखेंगे कि इंग्लिश में, हिंदी में और पोर्तुगीज एंड जी स्पेनिश में जी उन्हें बिल्कुल कैसे बिल्कुल बोलते बिल्कुल हैं, जी लेकिन उससे पहले यदि हम ये आपने बता दिया कि स्कोप इसका क्या है, इंडिया में स्कोप कितना है,
यदि कोई इसे अपना करियर बनाना चाहे इन लैंग्वेजेस को सीख के, तो अनुमानित यदि वो इन लैंग्वेजेस को सीख जाता है तो स्टूडेंट पहले ये जानना चाहेगा कि इन्हें सीखने के बाद हमें मतलब सैलरी जो होगी, मिनिमम की बात कर लेते हैं, हाईएस्ट तो वो डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटी पर, तो मिनिमम लगभग कितना क्या वो अपना कर सकता है। तो ये जो लैंग्वेजेस होती है इनमें सर्टिफिकेशंस होते हैं अलग अलग, A1, A2, B1, B2। किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के लिए आपके पास कम से कम B2 लेवल का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपने B2 कर लिया है, आप किसी भी अच्छी कंपनी में जाएंगे, आपको इजिली मिनिमम 40,000 की सैलरी पर मंथ से आप स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मैंने जब 2016 में अपना करियर स्टार्ट किया था लैंग्वेजेस में, उस टाइम पे मेरी 40,000 से स्टार्ट हुई थी। आज के टाइम में देखें आप और ज्यादा पैसा भी मांग सकते हैं, दिन ब दिन महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है। जी तो, और चलिए अब थोड़े सा हम ये बात कर लेते हैं कि जैसे कि हम कुछ स्टूडेंट्स हमारे हैं, जैसे मैं हिंदी में कोई भी सेंटेंस उसको मैं इंग्लिश में ही बच्चों को सिखा देता हूँ, लेकिन उसी सेंटेंस को यदि पोर्टुगीज एंड स्पेनिश में बच्चा थोड़ा समझना चाहे कि इसको हम कैसे बोलते हैं, तो क्या आप उसे बता देंगे? देखिए सर, जैसे कि हम लोग हिंदी सीखते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं हिंदी के जरिए, उसी तरीके से जब आप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ेंगे आप देखेंगे कि आपको इंग्लिश के जरिए ये भाषाएं सीखनी पड़ेंगी। तो इंग्लिश पे थोड़ा अच्छा एक डिसेंट कमांड होना जरूरी है, कंपलसरी। वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, जो कि आपको काफी हेल्प करेगा ये सारी लैंग्वेजेस को अच्छे से सीखने। जी अच्छा जी। और सर आप अपने अपना आप अपने एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं जो मैंने यहाँ पर लगा के रखा हुआ है, ट्रैवलिंग बहुभाषी जी सर का यूट्यूब चैनल है, आप लोग विजिट कर सकते हो, सर्च करना ट्रैवलिंग बहुभाषी आपको मिल जाएगा। तो इसमें आप किस टाइप के वीडियोज वगैरह बनाते हैं? इसमें मैं घूमने का काफी शौकीन हूँ, तो मैं ट्रैवल कंटेंट काफी सारा डालता हूँ, जो कि मैं देश विदेश जाता हूँ, मुझे क्या क्या वहाँ यूनिक चीजें दिखती हैं, क्या क्या हमारे कल्चर से रिलेटेड जुड़ी हुई चीजें दिखती हैं, वो मैं उस चीज के बारे में अपने ट्रैवल जर्नीज डालता हूँ सर। तो आपके बहुत सारे बच्चे, कुछ आएंगे भी बच्चे, तो कम से कम वो आप जब आउट ऑफ इंडिया जाओगे तो कुछ नई चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। और इंग्लिश तो यहाँ पर स्टूडेंट सीख ही रहे हैं, और कोई आप ऐसी चीज जो टिप्स देना चाहते हैं? जी, अगर कई बच्चों का सवाल होता है कि कितनी फीस हमें पे करनी पड़ेगी इन लैंग्वेजेस को सीखने के लिए, कितना ड्यूरेशन हमें स्पेंड करना पड़ेगा इन लैंग्वेजेस को सीखने के लिए, तो अगर हम बात करें कोई भी यूरोपियन लैंग्वेजेस की, जैसे कि जर्मन हुई, स्पैनिश हुई, पोर्चुगीज हुई, फ्रेंच हुई, तो इन लैंग्वेजेस के मोस्टली कोर्स 1 से लेकर मैक्स 1.5 साल के अंदर खत्म हो जाते हैं। जो B2 लेवल तक का मैंने सर्टिफिकेशन बताया, सबसे छोटा सर्टिफिकेशन होता है A1, उसके बाद A2, B1, B2, C1 और C2 भी होते हैं, लेकिन वो एक मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट होते हैं। लेकिन किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आपको काम करना, मिनिमम B2 सर्टिफिकेशन आपको करना जरूरी है। तो पर लेवल अगर फीस देखें तो पर लेवल फीस होती है लगभग 15,000 से लेकर 25,000। फीस भी ऐसी कुछ ज्यादा, फीस भी डिसेंट है, लेकिन ये एक लेवल की फीस होती है, और एक लेवल का ड्यूरेशन होता है लगभग 2 से लेकर 2.5 महीने के आसपास। तो 2 से लेकर 2.5 महीने के आसपास का ड्यूरेशन है, यानी कि अगर साल भर का कोर्स देखें तो इसकी फीस लगभग 1,00,000 रुपए से मैक्स 1,20,000 रुपए तक जाएगी। चलिए बहुत अच्छी सर आपने बात बताई आज ये, क्योंकि बहुत सारे इंडिया में तो बहुत ही कम लोग लैंग्वेज को अपना एज ए करियर बनाना चाहे, क्योंकि वो तो सीधा सीधा या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब देखते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट का जॉब देखते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो फॉरेन लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं, उन्हें कई बच्चों को तो मालूम ही नहीं होता है कि इस तरीके से भी हम लैंग्वेज सीख करके अपना लैंग्वेज में करियर बना सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में आउट ऑफ इंडिया भी काम कर सकते हैं। तो थैंक यू सर आज आप आए, और सर के चैनल पर भी आइए, और जो भी आपको क्वेरी चाहिए या जो भी आपको जानकारी चाहिए तो सर के चैनल पर जाकर के आप कमेंट कर देना, सर डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे। और जो भी डाउट्स हों वो लोग तो पूछते ही रहते हैं इंग्लिश में, अब आज से सर से आप स्पेनिश एंड पोर्तुगीज लैंग्वेज में भी क्वेश्चन कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सर आप आए। थैंक यू सर।